सो हे गाइस, वेलकम बैक टू गेमर्स जोन चैनल पे। न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में। आज मेरे पास है काफी सारी न्यू अपडेट। सो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं टीएसटी ऋतिक ने अपनी लाइव स्ट्रीम को प्राइवेट क्यों किया, एंड गेमिंग और क्यों गुस्सा हुए शेयर वाइटी के ऊपर, और बात करने वाले फ्री फायर ऑफिशियल ने एक यूट्यूबर को डायरेक्ट रिप्लाई दिया गेम को लेकर, एंड इसके अलावा बात करेंगे जो लीगल स्टेप उठाए गए, आरटीआई फिल की गई है, उसके क्या कुछ अपडेट्स रहने वाले हैं। तो बताने वाले हैं इसी वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 200 लाइक्स का टारगेट, तो गाइस फटाफट से कंप्लीट करा देना। तो चलिए आज की हमारी पहली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं टीएससी ऋतिक के बारे में। तो टीएससी ऋतिक कल अपने चैनल के ऊपर लाइव स्ट्रीम किए थे, जहां पर वो काफी सारी चीजों के बारे में बात करने वाले थे, लेकिन बीच लाइव में उन्होंने अपनी स्ट्रीम को एंड करके स्ट्रीम को प्राइवेट कर दिया। उस बारे में वो अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे बताते हैं कि स्ट्रीम प्राइवेट किए, रीजन ऑलरेडी स्ट्रीम पे दे दिए। बाकी गाइस विल बी ट्वीट अगेन। बाकी इसके अलावा बात करते हैं गेमिंग ऑरा के बारे में। तो गेमिंग ऑरा एक चीज को लेकर श्री वाइटी के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा थे। तो गेमिंग ऑरा अपने ब्रॉडकास्ट चैनल के ऊपर श्री वाइटी का एक वीडियो क्लिप शेयर किए, चलिए आपको दिखाते हैं। तो कब यूज गेम करके अगर 4 हफ्ते बाद ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन करना है, एंड गोल है, तो आई एम सॉरी, आई एम आउट। इसके बाद एक और स्टोरी पोस्ट करते हैं जहां पे वो बताते हैं किसी भी क्रिएटर को ऑडियंस से मतलब नहीं है, किसी को भी फ्री फायर इंडिया से भी मतलब नहीं है। सबको बस व्यूज चाहिए, सबको बस अटेंशन चाहिए, लेकिन उनको सबसे बड़ा ऑडियंस का लग रहा है जो इनपे अंधा विश्वास कर रही है एंड लगातार फ्री फायर पेजेस पे स्पैम कर रही है कि हमें फ्री फायर चाहिए। बोलते हैं खुला मैनिपुलेशन। 3 साल पहले भी बोला था कि भाई मेरी न्यूज कवर करनी है तो सही से करो वरना ना करो। और इसके कुछ टाइम बाद ये सब चीजें एंड हो गई, एंड गेमिंग और इसके बारे में बात किया है। तो यही कुछ बातें थी उन दोनों के बीच में हुई थी जो मैंने आपको वीडियो में कवर करके बता दी है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। बाकी इसके अलावा बात करेंगे निवेश के बारे में। निवेश ने आरटीआई सबमिट की थी, जो अभी तक आरटीआई को लेकर क्या कुछ अपडेट्स है, फ्री फायर वालों ने निवेश को क्या रिप्लाई दिया है, निवेश ने अपने चैनल पे लाइव आके सभी को बताया, चलिए आपको दिखाते हैं। आरटीआई से रिप्लाई आया क्या भाई? टाइम लगता है यार आरटीआई से रिप्लाई आने में। गवर्नमेंट काम में तुम एक बैंक में खाता खोलने जाओगे तुमको 4 दिन तो वो नहीं लगा देंगे। तुम बहस क्या आरटीआई की बातें कर रहे हो? जो भी ना, अभी देखो अभी हम लोग ट्विटर पे भी जाएंगे, आरटीआई डाल के हमने लीगल कर दिया है और आरटीआई पास भी हो गई है, ठीक है, गवर्नमेंट तक पहुँच भी गई आरटीआई। तो क्या बोलते लीगल हम चले गए और ट्विटर पे हम ट्राई कर सकते, तो उसी के लिए ऑडियंस का सपोर्ट जो है कलेक्ट कर रहे हैं कि ऑडियंस हो पाए। 10,000 का टारगेट है, बड़े क्रिएटर हो छोटे क्रिएटर हो, ई-स्पोर्ट्स में ई-स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं उनको भी यूनाइट करने का ट्राई किया भाई। अब की बार अकेले नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे स्पोर्ट्स प्लेयर हैं उनका अलग कम्युनिटी बना के उनको यूनाइट करने का ट्राई कर रहे हैं। गाइस अभी हमारी अगली अपडेट है डक्स भाई के बारे में। डक्स भाई अपने चैनल पे लाइव कर ही रहे होते हैं एंड गेम खेलने के साथ साथ गेम के बारे में बताते हैं कि गेम कब तक आएगा एंड इसके बारे में उन्होंने क्या रिप्लाई किया, तो चलिए आपको दिखाते हैं। रैंडम कार्ड्स अब कब तक एक्सटेंड हुई है? गेम सितंबर 4 तारीख तक कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है, देख लेना भाई। मैंने आपको बोला पहले भी भाई, जितने भी बंदे बोलते मैंने बोला 31 जुलाई ये लोग बोल तो रहे हैं, अगर ये चीज एक्सटेंड हो रही है तो समझ जाना 4 सितंबर तक कुछ नहीं दिखने वाला है, ये वो वाली सीन है, ठीक है। जो भी मेरे स्ट्रीम में आए भाई मैं बोल दिया, बाकी फिर बार बार मत बोलना कि भाई इसका क्या अपडेट है उसका क्या अपडेट है, ये तुम्हारी अपडेट गरीना ने दे दिया, ठीक है। 4 सितंबर तक कोई गेम नहीं है। अब ये जानबूझ के ये लोग चाहिए तो 31 या 1 सितंबर डाल सकते, 4 सितंबर तक दिए है, क्या पता 5 सितंबर में कोई गेम आ जाए। तो अभी हमारी अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं यूजी आयुष के बारे में। यूजी आयुष गेम को लेकर थोड़ा सा गुस्सा है कि 3 साल से उनको वेट करना पड़ रहा है लेकिन अभी तक गेम नहीं आया, ये सबको लेके आयुष ने क्या बोला है, चलिए आप सभी लोग को दिखाते हैं। इतना लैन गेम को खेलते हुए कब तक चलेगा? 3 साल हो गए यार, मतलब मैंने 7 साल अपनी जिंदगी के इस गेम को दिए, 7 साल समझ रहे, 2017 2024, मतलब 22 साल का हूँ, 22 साल में 7 घटा दो 15, मतलब 1/4, 25%, 30% मैंने टाइम इस गेम को दिया है भाई लोग। तो गाइस अगली हमारी अपडेट है पहाड़ी गेमिंग के बारे में। क्या पहाड़ी गेमिंग को फ्री फायर वालों ने अगली अपडेट बता दी है कि फ्री फायर कब तक वापस आएगा, एंड पहाड़ी गेमिंग की मीटिंग हुई है फ्री फायर वालों के साथ, चलिए आपको दिखाते हैं। फ्री फायर इंडिया कब आएगा भाई? मेरी कल ही रात फ्री फायर इंडिया वालों से बात हुई है, उन्होंने बोला जल्दी जल्द हम लॉन्च कर रहे हैं फ्री फायर इंडिया पहाड़ी, आप परेशान मत हो, कल ही मेरी मीटिंग हो जाएगा रहने वालों के साथ, समझ रहे हो, पहुंचे। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ, मे बी तब तक के लिए बाय बाय टाटा।